जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 3 बटालियन के 2547 जवानों के काफिले को निशाना बनाया। इसमें 42 जवान शहीद हो गए और अन्य कई घायल। जैसे मोहम्मद ने वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए एक आतंकी आदिल अहमद का फोटो जारी किया है और इसे फिदायनी अटैक बताया जा रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसने जैश मुखिया मसूद अजहर को आतंक फैलाने की खुली छूट दे दी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार शांति भंग करने की कोशिश करे, पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को हमलों को विफल करने के लिए दृढ़ है। वहीं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सिर्फ कायराना हरकत करार देते हुए कहा है कि संभव तरह से बदला लिया जाएगा। यह हमला गुरुवार को कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में हुआ है। पुलिस के मुताबिक CRPF के काफिले में 78 गाड़ियां थी। दोपहर 3:15 बजे श्रीनगर जम्मू हाईवे से पहले एक आतंकी ने विस्फोट से लदी SUV जवानों से भरी बस में लड़ा दी। इसके बाद NSA अजीत भोडाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने CRPF के DG को फोन कर हालात का जायजा लिया। वह आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। पीएम ने भी राजनाथ सिंह और वरिष्ठ अफसरों से बात की। शुक्रवार को सुबह कैबिनेट मीटिंग में ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। इस कमेटी में पीएम, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री होंगे। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को NIA की जांच में शामिल किया है। NIA की 12 सदस्यीय टीम मौके पर जाकर सबूत एकत्रित करेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने कहा है कि खून की एक एक